अलकुम गुड मॉर्निंग वसेैेब मैं शानिद नब क्या हाल है मेरे वसेैेब का ठीक हो से, खुश हो से, खुश हो से। अच्छा खुशी ने ना बड़े मुख्तलिफ मायने जरूर हैं हर इंसान है ना अपनी खुशी का एक अलग ही कैटेगरी बना के, के फ्रीज करके रख दीता है कि इवें हो से तो असं खुश थी सूँ कहीं दी खुशी त मैदी बेहद जालिम आती है माशरे गे भी उनते भी उनके अपने गे भी खुशी अगर तो तोकू कहीं को अजियत दे के मिले तो तुसा समझो मैं आप इंसानियत तो सब तो ज्यादा जिंद इंसानियत है ही कहना ऊँ दर्जे इंसान ही वे अगर खुशी तो को कहीं दे खुशी दे मिलती है वल देखो सोचो समझो कि तुसा कितने चंगे तो खुशनसीब इंसान ही वे वल कहीं को पैसा तो खुशी मिल वेंद कहीं को जनाब कितना मन के खुशी सैरों तफ्री तो न मिल वेंद मुख्तलिफ़ हर इंसान की चॉइस उनचर उन फितरत के उत्ते डिपेंड करी पे फितरत अगर थोड़ी जी गाल करके ना फितरत बदलती क्या इंसान की आदत बदल होर असा अगर अपने जो पॉजिटिव चेंज कह क्यों वो भी थी वेंद फितरत नहीं बदलती तो कोशिश त ईमान की जेदना ताजगी ये फितरत असरअंदाज थी सकती है सिर्फ और सिर्फ़ अपनी नीयत को साफ रखो खुशी दे बारे मैं क्यों गाल करें खुशी का इतना ख्याल इतना मेरे को सवेर नाल क्या थी गिये? मैं तो खुश कह नहीं बैठी मैं बहुत खुश बैठी हाँ वजह तू क्योंकि ई सेगमेंट ये जो मेहमान हैं बड़ी सोनी मेहमान पहले भी प्रोग्राम में जा चुके हैं लेकिन काफी सारे गेस्ट हैं गाल इतनी खुल के कह थी सकी अज गेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट टॉपिक जी कु नफ्सयात जी को सकते से इंसानी नफ्सियात जिंद अजक हद तक मैदिया परेशान है खुद सख्ता परेशानियाँ की वजह तो कि असा जितना भी आई नू जितनी भी गाल कर गए हर इंसान कितें ना कित थोड़ा ज्यादा कई मामले नफ्सियाती मरीज जरूर है मुझ समेत ए है एक हकीकत है तो एक बीमारी है एक कुछ सिर्फ समझ की जरूरत है बाकी सारी गाली अस डॉक्टर साहब को पुछूँ टे मौजूद हैं डॉक्टर फातमा शबीर पी एच डी फैशन डिजाइनर भी हैं इन तो अलावा बेहतरीन बेहतरीन ब्यूटीफुल लेडी हैं इन्हों बच हो भी बड़ी सलाहियत एंड इन्होंने बहुत कुछ किया इतनी जी उम्र एक लड़की इतना कुछ किए कर चुकी है इतना बेहतरीन जिंदगी इतनी कामयाब जिंदगी बनाव किमयाब थी चुकी कैसी है ये भी सुन दिन असल कैसे हैं डॉक्टर साहब आप बताएँ क्या हाल आप माशा हसीन तरीन हैं थैंक यू डॉक्टर साहब आप कैसा फील कर रही हैं क्या खुशी महसूस कर रही हैं आज काफ़ी कुछ चेंज है देखें पहली तो बात यह है कि सेटअप का बहुत अच्छा है थैंक यू और उससे भी पहले जब आप आते हैं आपके साथ जो लोग इंटरेक्ट करते हैं उनका जो बिहेवियर हाँ. होता है अगर वो आपको पॉजिटिव मिल रहा है तो आपके अंदर दो चीज़ें हो रही होंगी हाँ. एक आपको खुशी मिल रही होगी क्या आप रिकगनाइज हो रहे हो दूसरा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होता है सही देखिए इस्लाम एक बहुत अच्छी बात कहता है कि जब जाओ पहले जाके सलाम करो बिल्कुल आपकी जगह दूसरे के दिल में ऑटोमेटिकली बन जाती है दूसरा अगर इस्लाम ये कहता है अल्लाह ये कहता है कि अपने चेहरे पे स्माइल रखो ये तो हम आज कहते हैं ना कि पिक्चर किसी ने लेनी हो तो वो स्माइल रख के लेता है तो उसकी पिक्चर खूबसूरत आ जाती है तो वो कहता है जिंदगी है। भी एक तस्वीर है उसके अंदर भी खुशियाँ भरो उसके रंग भरो तो मतलब यह है कि इस्लाम की बहुत बड़ी लॉजिक्स हैं जो कि इंसान हर वक्त समझ नहीं सकता बिल्कुल ऐसे आप स्माइल रखें आपका चेहरा ऑटोमेटिकली जब खूबसूरत होगा तो दूसरे को अट्रैक्ट करेगा बिल्कुल सही और है और आपको देख के अगर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो इससे बड़ी कौन सी खुशी हंड्रेड परसेंट राइट अच्छा एक बड़ी अजीब लेकिन एक दो तीन चार बहुत दफ़ा मेरे साथ ये हो चुका है कि अक्सर मुझे कहा जाता है कि जैनब इतना ज़्यादा हम्बल नहीं होते इतना ज़्यादा स्माइल नहीं किया करो एटीट्यूड लेके आओ ये वो मेरे ख्याल से लोग हैं या वो अफराद होते हैं शायद मैं भी सुन भी रही हूँ जो अक्सर अवकात एटीट्यूड को पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं और समझते हैं कि आपका ये बिहेवियर लोगों को अट्रैक्ट करता है जबकि मेरा और जिस तरह से आपने बात की है कि आपकी स्माइल आपका अच्छा रवैया आपके आने वाले कल को बेहतर से बेहतरीन बना देता है कल तो बहुत दूर की बात है आपका जो प्रेजेंट मोमेंट होता है उसको खूबसूरत है बिल्कुल सही कह रही हैं, कभी किसी ने कल देखा नहीं देखा कभी किसी ने अपना अगला मोमेंट देखा नहीं देखा जो चीज है ना वो आपकी प्रेजेंट में आज की हमारी प्रेजेंट ने ही हमारा पास्ट बनना है और हम इसी को ज्यूम करके अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे होते हैं ठीक सो आप बाकी दो कैटेगरी पर नहीं जाए आपने अगर अपना प्रेजेंट अच्छा कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपका पास्ट जब आप सोचोगे वो भी खूबसूरत होगा और फ्यूचर को जब एज्यूम करोगे वो भी बहुत खुशगवार होगा दूसरी चीज़ आपके ने एक एटीट्यूड की बात की तो नबी करीम सल्लल्लाहु वल वसलम से बढ़ के भी कोई हम्बल है बिल्कुल भी नहीं हमारे पास कोई एटीट्यूड उनकी ज़िंदगी का जो लोग कहते हैं कि जी आप एटीट्यूड की तरफ जाएँ इतना ज़्यादा बंदे को हम्बल नहीं होना चाहिए उनके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज्यादा जोर से बाहर आने की कोशिश मुझे भी है। आती हैं ये वाली वाइब्स मुझे भी आती हैं अगर एक हाँ। बंदा हम्बल है एक बंदा डाउन टू अर्थ है तो वो किसी को कुछ ना कुछ दे रहा है दे वो प्रोड्यूस कर रहा है वो डिलीवर कर रहा है हैप्पीनेस को पॉजिटिविटी को आपके इन्वामेंट को फ्रेंडली कर रहा है बिल्कुल अगर एटीट्यूड दिखाएगा तो हो सकता है जो बंदा उसकी सॉफ्ट नेचर की वजह से अपना दुख उसको बता सकता हो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता हो उसके अंदर जब एटीट्यूड आ जाए तो वो कुछ ना शेयर करें कुछ ना शेयर लेकिन आप लॉस कर रहे हैं अपनी सोसाइटी का बिल्कुल हम्बलनेस इज गिफ्ट यस हंड्रेड परसेंट और ये आपके बल्टन आपकी फितरत में होती है ये भी हकीकत है अच्छा डॉक्टर साहब सारी बातें एक साइड पे अगर मैं रखूँ मैं आ, सबसे पहले एक बात जानना चाहती हूँ हमें नहीं पता ना ही हम उस तहकीक कर सकते हैं उस नोयत पर जाके जो आप हमें गाइड कर सकती हैं अभी कुछ अरसे जो आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो किस इशू को लेकर आ रहे हैं देखें बहुत मेजरली इश्यूज़ हैं जिसको आप स्ट्रेस कहते हो एनजाइटी कहते हो डिप्रेशन कहते हो मतलब ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो कि हर बंदा बोल रहा है अब जिसको डिप्रेशन नहीं भी है वो पोस्ट ट्रामा में है वो कहते हैं मैं डिप्रेशन में हूँ नहीं पता ना देखिए अवेयरनेस ना अवेयरनेस है ना हमने लेनी है ना हमने कंसल्ट करना है तो फिर आप चीज़ें कैसे क्लैरिफाई होंगी हम इसको आ, बेसिक ये प्रॉब्लम है कि अगर आप कह दो ना कि आपको इस टाइम यू नीड अ डॉक्टर ठीक है उसका मतलब ये लिया जाता है कि हम अगले को कह रहे हैं कि आप पागल हो चुके हैं आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है जबकि साइकी भी एक बीमारी है मैं इसको एज अ बीमारी ही कंसीडर करती हूँ जैसे सर दर्द जैसे वैसे आपको एक नॉर्मल बीपी का इशू है हार्ट का इशू है ये भी उसी तरह है अगर हम इसको ट्रीट करें तो देखें सिर्फ इसका मसला ये है कि ये जब तक सुवेर ना हो जाए आपको नज़र नहीं आती अब आप मेंटली अगर स्ट्रांग नहीं हो मेंटली आप इल हो तो आप जो फिजिकली एक्टिविटीज़ कर रहे हो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं कैसे सकते कर हो? कर नहीं हो सकती बिल्कुल हकीकत जब आपको ये बताने में शर्म नहीं आती कि जी मुझे फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे लेकिन ये डिजीज़ है हम डिस्कस करते हैं किसी को कैंसर हो गया वो बड़े शौक से बताता है दुख से बताता है कि जी मुझे कैंसर हो गया लेकिन मैं फलाने डॉक्टर से इलाज करा रहा हूँ मेरा इलाज चल रहा है कहने की बात यह कि किसी को अगर कैंसर होगा शौक़ से तो नहीं बताएगा खुशी तो नहीं होगी उसको लेकिन वो अपनी बीमारी को डिस्कस करता है जब चीज़ें डिस्कस होती हैं तो उनका वो इम्पैक्ट नहीं आता इमोशनली जो चीज़ें डिस्कस नहीं होती और उनका आता है आप सही कह और कह रहे हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि लोग हमें कहते हैं जी आप पागल हैं उससे पहले आपको पता नहीं होता आप अनकॉन्शियसली अपने साथ बहुत सी चीज़ों को टैग कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल है। मैं ख़ुद को कह रही हूँ मैं तो डिप्रेशन से गुजर रही हूँ मुझे हर वक्त स्ट्रेस रहती है मुझे रहती है मैं अगर मैंने सौ दफा कह दिया और आपने मुझे एक दफा ये बता दिया कि यार इसको तो प्रॉब्लम है ये तो नफ्सिया हो रही ऐसे है।, है तो डिप्रेशन हमें अवेयरनेस नहीं, नहीं है देखे हमारे साइकोलॉजी के अंदर साइकेट्री के अंदर एक चीज कही जाती है कि पेशेंट वही ट्रीट होगा इंसान वही ट्रीट होगा जिसके अंदर इनसाइट होगी तो मैं हमेशा से ये मैसेज देती आई हूँ कि देखें कोई भी मेंटल इलनेस है वो किसी भी तरह की है किसी भी लेवल की है खुद से अपने साथ टैग ना करें ओके okay. बिल्कुल सही कह रही हैं एक स्पेसिफिक हम डिस्कस को लेके अगर आए सोसाइटी में इस टाइम एक इस तरह की साइड है जो कि डिप्रेशन का शिकार है अफसरदा है खुशी से थोड़ा सा महरूम है या पॉजिटिव नहीं रह पा रही वो है बिज़नेस बिज़नेस के हमारी वो अफरा चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं आप ख़ुद इस पर बेहद जिसको कहते हैं ना बेहतरीन तहक़ीक करके बैठी हैं और बड़ी कायल हैं इस बात की कि बिज़नेस में जिद्दत लानी चाहिए और माशाल्लाह से आपकी बात भी समझ में आती है बात वही है जो किसी को ना तो समझानी ना पड़े आपको अगर एग्ज़म्पल्स देनी पड़ जाएंगी ना देन समझ जाएँ कि आप नहीं समझा पा रहे हैं अगला बाद में बात है पहले हम और आपको एग्जाम्पल्स नहीं देनी पड़ती आपकी बात समझ आ जाती है थैंक यू इस टाइम हमारे बिज़नेस में जो मसाइल चल रहे हैं वो सबके चल रहे हैं इक्वली आ रहे हैं तो इसमें डिप्रेशन का क्या कंसर्न है और इसको कैसे ट्रीट करना है ये थोड़ा बताइए ज़रा पहली तो बात यह है कि जैसे आपने कहा कि बिज़नेस में डिप्रेशन है बिज़नेस में डिप्रेशन नहीं है बिज़नेस चलाने वालों में डिप्रेशन हुँ. है उससे भी मेजर बात यह है कि आपने खुद ही डायग्नोस कर लिया कि आप डिप्रेस हो अफसोर्दा रहने में और डिप्रेशन होने में बहुत फर्क है इन दोनों में फर्क बताइएगा देखिए डिप्रेशन जो है वो प्रॉपर एक मेंटल डिजीज है डिसऑर्डर ठीक है ठीक है।, है जिसकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं उसके अंदर पीरियड डिफाइंस है उसका कोई एक सिम्टम्स नहीं है नंबर ऑफ सिम्टम्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि जी अगर ये फाइव टू सिक्स हैं या हमने पढ़े हुए हैं उसमें से फाइव मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे क्या टाइम पीरियड उतना हुआ है या नहीं हुआ उसके बाद जाके कंसल्टेंट उसको उस चीज में डायगनोज करता है अफसुर्दगी तो ये है कि आपके पास एक चीज है लेकिन आप उसे खुश ही नहीं है बिल्कुल सही देखें आपके साथ सौ मसले हो सकते हैं।, हैं लेकिन आप यहाँ पे बैठे हो एक स्माइल के साथ बैठे हुए हो

इस चीज़ का प्रॉब्लम ये है कि स्माइल झूठ नहीं बोलती मेरी ए, मेरी अब तक की स्टडी जो मैंने लोगों को पढ़ के सीखी है वो ये है हम आँखों से छुपा सकते हम अपनी स्माइल क्योंकि अगर आप जिस भी ए, इस टाइम आपकी नेचर में जो चीज़ चल रही है ना आपकी स्माइल वैसी स्माइल आएगी आप दुखी हैं आप स्माइल हैं आपके होंठ वो स्माइल दे ही नहीं सकते आप हंस रहे होंगे एक्ट रहे होंगे अगला बंदा पहचान जाएगा आंसू बहुत लोग आराम से एडजस्ट करना सीख गए हैं क्यों क्योंकि माशरा ऐसा है हमें वक्त और हालात उस तरफ ले आया है और इसके साथ साथ मैं चाहूँगी कि थोड़ा डिप्रेशन की जो हम बात कर रहे हैं जो आपने पॉइंट्स बताए हैं हो सकता है देखने वाला कोई किसी का भला हो जाए उन पाँच में से दो तीन आप पॉइंट्स शेयर कर सकती हैं बिल्कुल मैं शेयर करूँगी लेकिन उससे पहले ना कि हम उस अफसरदगी को आगे लेके चलें या डिप्रेशन को आगे लेके चलें मेजर कंसर्न हमारा ये होना चाहिए या जो मैं समझती हूँ कि लैक करता सोसाइटी के अंदर जो चीज़ मुझे देखने को नहीं मिलती अपने सराउंडिंग्स में अपने कॉलीग्स में अपनी बिजनेस कम्यूनिटी के अंदर हुँ. और अदरवाइज अपने स्टूडेंट्स के अंदर भी इवन वो है ख़ुशी अब हुँ. खुशी है क्या देखो कॉन्सेप्ट होता है ना हर एक चीज़ का ऐसे ही खुशी क्या चीज़ है आपके पास सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नियमत से नवाज दिया लेकिन इसके बावजूद आप खुश नहीं हैं

और ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर स्ट्रगल का रिजल्ट हंड्रेड परसेंट आपको पॉजिटिव ही मिले 100 और मिले 100 आपका काम है effortlessly efforts करना ये मैं कहती हूँ कि ये मेरा ट्रेडमार्क है कि ये जो सेंटेंस है ना एफर्टलेसली एफर्ट्स करना और रिजल्ट आप छोड़ दें अल्लाह के ऊपर क्योंकि उसने तो आज तक किसी की मेहनत को रायगा नहीं छोड़ा नहीं नहीं छोड़ा नहीं छोड़ा, जब उसने छोड़ा ही नहीं तो पहले प्लीज उस चीज को एक्नॉलेज करें जो आपके पास है जो आपके पास है। अब सबसे पहले आपने कभी शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें जहन कितना अच्छा दिया बहुत कम लोगों को देखा शुक्र अदा करते जब आप शुक्र अदा नहीं करेंगे आप खुश कैसे हो जाएंगे बहुत मुश्किल काम फिर आपने डिप्रेशन की बात की कि पहला स्टेप है जिससे हम टू जाते हैं स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ ये पहला स्टेप है अगर आपके पास गाड़ी है तो आपने दूसरे के साथ रेस लगानी शुरू कर दी अभी जब मैं इधर आ रही थी एक काले कोट में भाई साहब अब आप ब्रिज ऊपर चढ़ रहे आपको पता है कि दो गाड़ियां एक साथ नहीं, नहीं हो सकती हाँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल साइड कॉर्नर कर रहे थे मतलब मैं हॉर्न दे रही हूँ वो साइड कॉर्नर कर रहा हूँ और उसके बाद वो स्माइल कर रहा है देखिए ये इल्ड बिहेवियर है बिल्कुल और इससे उसको खुशी मिल रही है ये वही बात है कि मैं कहने पे मजबूर हो गई थी स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट लिया कि नॉर्मली डॉक्टर साहब आप शायद मे भी इस बात पे एग्री करें कि हम आवाम की इसमें हम इसलिए कहना पड़ रहा है जबकि मैं और डॉक्टर साहब बिल्कुल नहीं हैं कि दूसरा हाँ भाई सीधी बात है नहीं है कि हमें तकलीफ़ होती है दूसरे की तकलीफ़ से हमें खुशी होती है दूसरे की खुशी से exactly. और दुआ और ख़ैर देते हैं कि अल्लाह ताला ने उन लोगों में शुमार कर लिया है जो शुक्र अदा करते हैं और कहना चाहिए बताना चाहिए अगर एक चीज़ आप में अच्छी है तो उसको मान लेना चाहिए बाकी हो ना हो आप देखें अगर किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही है आप उसको बताओ कि आप आपकी ये चीज़ आपने बहुत अच्छी लग रही है ऐसे आप ना सिर्फ पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द का भी क्रिएट कर रहे हो उस बंदे के अंदर जो इनर पीस आ रहा है इनर सेटिस्फेक्शन आ रही है आप उसको इंक्रीज कर रहे हो इससे क्या होएगा एक तो पॉजिटिव से आपका सेटल्ड हो जाएगा दूसरा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा।, बढ़ जाएगा अगर अगली दफा कोई गलती करेगा भी वो देखो इंसान है इंसान हर दफा एक जैसे मूड में नहीं रह सकता एक जैसे स्टेट में नहीं, नहीं, नहीं रह सकता कल को वो अगर कुछ ऊपर नीचे करेगा और उसमें कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी उसको या दूसरा कोई बताएगा कि यार आज आपके बाल नहीं अच्छे लग रहे या आज आपका ड्रेस नहीं अच्छा लग रहा है या आप इसको ऐसे नहीं ऐसे कैरी कर लो तो वो उसको उतना अपने ऊपर सवार नहीं करेगा जितना वो बंदा करेगा जिसकी कभी किसी ने तारीफ ही नहीं की तारीफ उसके सिर्फ क्लोज अब देखे माँ बाप है उनके लिए बच्चा जैसा भी उन्होंने उसकी तारीफ करनी है हाँ, बात यह है कि मैं थर्ड पर्सन हूँ मैं किसकी तारीफ कर रही हूँ अगर हम कॉन्टीन्यूसली अपने माशरे के अंदर हर बंदे में कुछ ना कुछ अच्छा होता है बिल्कुल होता है और आपको नज़र भी आ रहा होता है आप उसकी तारीफ करें जब उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा ना तो अभी वो कहेगा कि यार सौ लोगों ने तो मेरी तारीफ की है बिल्कुल ऐसे ही आज यकीनन मेरी किसी में कोई चीज़ होगी मैं इसको रिकंसीडर कर लेती हूँ बिल्कुल ऐसे ही और आप क्या कर रहे हो आपको देखने वाले आपके कोलिग्स हैं आपके सिबलिंग्स हैं आपकी फ्रेंड्स हैं आपका एक सर्कल है वो एम्पावर्ड होंगे कि अगर ये कर सकती है और इसको नहीं इसने माइंड किया तो हम क्यों नहीं कर सकते बिल्कुल सही कह रही हैं हम आते हैं आपकी उस पहली बात पे जो हमारा आज का मेन डिस्कस करने की एक बात थी खुशी खुशी क्या है देखिए खुशी तो मैंने पहले ही आपको हाँ। आपके आने से पहले हाँ। ही इस तरफ बता दिया कि आपकी अपनी चीजों के अंदर एक्नॉलेजमेंट नहीं है फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हसीन बनाया लेकिन मेरा रंग काला है सही बात है दिमाग okay, okay. मेरा चलता है ऑर्डिनरी एवरेज या बहुत जो ए प्लस पर... के लोग अच्छा, है उनसे ज्यादा अच्छा मेरा आईक्यू लेवल है सही हो गया लेकिन मेरा रंग काला है सही अब जो अल्लाह ताला ने मुझे एक हजार एक चीजों से नवाजा नवाजा है उसका नहीं देखा जीरो एक्नॉलेजमेंट मुझे क्या है की यार वो मुझे देख रही है वो सिर्फ यही देख रही है कि मेरा रंग काला है यार रंग गोरा हो रंग काला हो इससे क्या फर्क पड़ता है रंग आपको कुछ नहीं दे रहा बिल्कुल आपको अगर दे रहा है कुछ तो आपका आईक्यू लेवल दे रहा है आप उस चीज पे फोकस करें हाँ। जैसे हम अभी ज़रा बात कर रहे थे कि जो आपके पास है आप वो नहीं देख नहीं वो नहीं देख रहे ऐसे ही जो नहीं है हाँ वो ही देख रहे हैं बिल्कुल और आजकल ना एक और कॉमन बड़ा अमूमन हमें भी सुनने को मिल जाता है और इस टाइम देख रहे होते हैं कि क्यों क्यों इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस सीट पे बैठने के बाद ना बहुत चेंज आए लाइफ में यकीन करें आप डेली मुख्तलिफ फील्ड के मैं कहती हूँ बेहतरीन लोगों से मिलते हैं तो आप नॉलेज बहुत बढ़ती है आपको कोई डिग्री इतना इलम नहीं दे सकती जितना इंसान इंसान को इलम देता है ट्रू और उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें उलझने सुलझ गई हैं बातें जो समझ नहीं आती थी वो हिफ हो गई हैं अब हम एक बात सुनते हैं एक फ़िकरा सुनते हैं ख़ास कर यंगस्टर्स में बहुत सुनते हैं हमें हमारे पास कोई नहीं है हमारा कोई नहीं है अपना कोई नहीं है ठीक है अब मोहब्बत प्यार नहीं है अपनाइयत नहीं है मैं भी आपके पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हों बिल्कुल आते हैं ठीक है अब इसमें पहले मुझे लगता था सिर्फ का है नहीं इसमें भी, भी शामिल देखिए हम जेंडर वाइज हो ही क्यों? मसला तो जेंडर देख के तो नहीं आ रहा ना। सही। अब यहाँ पे ना आपने दो बातें की है। पहली एक बात जैसे हम पहले कह रहे थे कि यार आपको एफर्ट्स करनी चाहिए

अब आप जब डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों के साथ करते, हो, करते तो उसके लिए पहले थोड़ा होमवर्क भी करते हो ऐसे ही है। कोई भी चीज प्रिपरेशन के बगैर होती नहीं, नहीं होती कोई होती है, है जी, मैंने तो बिल्कुल नहीं देखा बस मैं आके बैठ गई और मैंने बातें <laughs> शुरू कर दी और फलाना शुरू कर दिया चाहे हमारी सुनी हुई बातें होती हैं लेकिन हमें एक, एक दफा रिकॉल करना होता है पब्लिक को प्रोवाइड नहीं कर नहीं सकते दिस इज योर रिस्पांसिबिलिटी नहीं कर सकते और जहाँ रिस्पांसिबिलिटी आपको बड़ा बनाती है आपको डिफरेंट बनाती है आपको मेच्योर बनाती है, है। वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये बताती है कि अब आपने डिलीवर क्या करना डिलीवर क्या करना, है? क्या करना है? वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अगर आप रेंडमली क्वेश्चन पूछेंगे तो जो आंसर दे रहा होगा मैं क्या ही आंसर दूँ हकीकत है हकीकत है एक प्रॉब्लम है ये बात सिर्फ कर रही हूँ क्योंकि अगला मेरी बात ना बड़ी पॉइंट बड़ा मज़े का है कि हमारा ये इशू है मेरे मेरा ये गिला भी है वहाँ से और मैं ये चाहती भी हूँ कि कोई चंद लोग भी इस चीज़ को फोकस कर लें बहुत बेहतर हो जाएगा कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हैं पहले बात को समझ लें फिर उससे सवाल कर लें जवाब तो हम देते ही नहीं हैं हमने सवाल करना होता है बेसिकली ये प्रॉब्लम है हमारा और अब आते हैं कि जिंदगी इम्तहान है मुश्किलें हैं नो डाउट और कुछ मुश्किलें ऐसी होती हैं कि आपकी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव ले आती हैं कुछ ऐसी होती हैं जो आपको थका देती हैं फिर आप उस थकावट को अपनी हार बना लेते हैं ठीक है फिर उसके जेर असर आप अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरे को सहरा दे के और अपनी हार का जश्न बनाते हैं देखें ये आपके दो क्वेश्चन है इंटरलिंक हो गए जो पिछला क्वेश्चन था उसका पार्ट भी रह हाँ। गया और ये वाला क्वेश्चन आगे अटैच हो गया ये सारी गेम है आपके माइंडसेट की जैसा आप अपना माइंडसेट बना लें देखे मेरी खुशी जो है वो आपसे एसोसिएटेड नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक मेरी खुशी मेरे अपने से एसोसिएटेड है।, है।, है जैसे आपने कहा कि आपके पास पेशेंट्स आते होंगे जो ना खुश होते होंगे एक्नॉलेजमेंट नहीं होती होगी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने क्वालिटी टाइम स्पेंड करना ख़त्म कर दिए जैसे आपको पहले कहते थे ना कि पुराने ज़माने के अंदर या थोड़ा सा आप बैग चले जाओ अपने पेरेंट्स के ज़माने में आ जाते हैं तो सारे लोग एक टाइम का खाना तो एटलीस्ट कट्ठे बैठ के खाते थे एग्री होता क्या था अब वेंटिलेट हो रहे होते थे अब क्या होता है टाइम ही नहीं होता मेरी और रूटीन है मेरे भाई की और रूटीन है बाबा की और रूटीन है ममा की और रूटीन है बहन की और रूटीन होगी अब शादी होगी तो होगी तो मतलब हम लोग एक टेबल पर डिस्कस नहीं कर रहे नहीं कर रहे और सबसे बड़ा अलमिया ये आ गया कि लोगों ने हमें हमारी चीजों के ऊपर जज करना स्टार्ट कर दिया <laughs> बहुत बड़ा अलमिया ये <laughs> <सही है>। आप <laughs> किसी से कुछ पूछो ना फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपकी बात ही कर, कर रहे हैं कि जी डिफरेंट प्रोफेशन के लोग हैं डिफरेंट क्वेश्चन हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उनसे पूछो कि यार मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएं और बहुत सारे लोग नहीं पूछते कि वो समझे कि मुझे तो नहीं आता हाँ नहीं आती हाँ। हर चीज नहीं आ सकती नहीं मैं साइकोलॉजी की सारी चीजें मुझे नहीं आ सकती मैं कभी कभी कुछ ऐसी चीज ऐसे नॉन टेक्निकल लोगों से सीख लेती हूँ कि इतना मजा आता है उसको सीख के सीरियसली मजा आता है देखिए ये माइंड सेट है ना मैं मुझे एक जनटोरियल स्टाफ से भी मैं कभी कभी कुछ सीख सकती हूँ बहुत अच्छा सिख, सिखाते बहुत हैं अच्छा। बहुत अच्छा बहुत देखिए उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आपके लिए बिगेस्ट लेसन है एग्रीड अब जब हम लोग सारे लोग बैठे कलीग्स बैठते हैं या पेशेंट्स आते हैं आप क्योंकि आपकी वन टू वन सेटिंग्स हो रही होती हैं और सेटिंग्स कभी वन आर प्लस की हो रही होती हैं तो उसके अंदर किसी ने मुझे छोड़ दिया मेरे बिजनेस में लॉस हो गया शादी नाकाम हो गई डिवोर्स हो गई दूसरी शादी नहीं हो रही बच्चा नहीं हो रहा पैसा नहीं मिल रहा अपॉर्चुनिटीज नहीं।, हाँ। नहीं आ रही मैं जॉब अप्लाई कर रहा हूँ मुझे जॉब नहीं मिल रही मैं जॉब में हूँ हाँ। डिपार्टमेंट ने निकाल दिया मेरे नंबर अच्छे नहीं आए मैंने पेपर बहुत मेरे अच्छा न... दिया yes, था यस yes, ये हाँ, मुझे थाने के पास चला ये कोई बात है देखे बात ये है कि अपने अपने लेवल पे हर एक को अपना अपना इशू बहुत बड़ा लगता है बहुत बड़ा लगता है और उस टाइम लेकिन इशू होता बड़ा नहीं है सिर्फ डिस्कस करने की बात ये कि आपका जो आपके फ्रेंड सर्कल में हैं लोग वो आपको किस तरह से चीज़ें प्रसीव करा रहे हैं yes. अगर किसी के साथ किसी की शादी नहीं चली ये मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारी डाइवोर्स रेट ज़्यादा हो गया भे भे में ना। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आप सारी जिंदगी कि मेंटल ट्रॉमा से हाँ, बच गए हो एक ऐसे रिलेशन से बच गए हो है। और फिजिकल टॉर्चर भी हो रहे हो आप फलाना टॉर्चर भी हो रहे हो क्यों हो रहे हो यार ओए होए और मृत्यु तौर पे आप मर रहे हो और आपको ता... पता है लोग बहुत जल्दी अपनी एज से पहले ही मर जाते हैं ऐसे ही क्योंकि ये डेडलेस चीजें हैं, क्योंकि हमने कंसल्टेशन तो लेने ही नहीं हमने पर्सनली प्रोफेशनल के पास तो जाना नहीं नहीं जाना अगर आपने ये भी नहीं करना क्योंकि सच बोलना पड़ेगा यहाँ पड़े। बोल आप तो आपने पहली बात की थी और क्या कहा था और आप लास्ट में अब आप क्या कह रहे हो अपनी असल बिल्कुल बताते बिल्कुल जो उनको बेसिक जो डिस्टर्ब करती है ना वो हकीकत डिस्टर्ब कर रही होती है कभी वो किसी और की हकीकत होती है कभी इंसान की खुद की हकीकत भी होती है और वो बहुत डिस्टर्ब कर रही होती है तो वो बताना बड़ा मुश्किल होता हो देखें मैंने आपको जैसे बहुत इस प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था कि इलाज वही कराएगा जिसके पास इंसाइट होगी अगर एक बंदा विलिंगली आया है वो अपना आप सारा कुछ बताएगा बगैर शर्माए बगैर झिझके बगैर कोई क्वेश्चन किए वो सब चीज़ें बताएगा चाहे उसके अपने जात के रिग्रेट्स हो, अपने हो, कुछ क्योंकि देखो ना अगर आप किसी को नहीं बताओगे तो आप बंद कर देती हुँ। 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 कवर कर दी। अब ये पानी तो यहीं रहेगा कुछ इसके अंदर काई जम जाएगी है। ठीक है ऐसे ही। तो जब आप किसी के साथ शेयर नहीं करते है ना चीजों को तो चीजें आपके अपने सवाल होते हैं आपके अपने जवाब होते हैं जो कि आपकी मर्जी का जवाब नहीं आ रहा होता आपकी मर्जी का जवाब आ रहा है जो न्यूट्रल पर्सन है जिसने आपकी फैमिली में जाके नहीं बताना कि जारा के साथ यही है पर्स थे है उससे मेरे साथ डिस्कस किए हैं और इस गॉसिप्स करें जब आप न्यूट्रल के पास जाओगे और वो आगे से प्रोफेशनल होगा आपकी बात उस कमरे तक रही और उसके बाद खत्म उसके बाद और लोग बताते हैं और उसके बाद उनको जो पीस मिलता उसके बाद जो उनके अंदर चेंज आती है और देखो दिस इज नॉट अ ओवरनाइट प्रोसेस एट ए टाइम्स बिल्कुल ठीक है ना उसके अंदर टाइम लगता है आपको पाँच छः सेशन लेने पड़ते हैं और उसके बाद यू फील ठीक है उनको जब एक से दूसरे सेशन के बाद बिल्कुल ठीक होने लगते हैं वो कहते हैं अब अब मैं मैं बिल्कुल आप मैं बिल्कुल ठीक नो प्रॉब्लम एट ऑल बेहतरीन थैंक यू थैंक यू सो मच आज welcome. आपने हमें खुशी के लम्हात दिए कि आपसे मिलने का बड़ा वो था कि आप दोबारा आएँ आपसे डिस्कस हो और नफ्सयात पे बात करना बहुत ज़रूरी है इसलिए टाइम दिया करें आया थाँग करें थाँग आपका अपना प्रोग्राम आपका बुलाने का शुक्रिया क्या कहना चाहेंगी कोई दिल की बात कोई मैसेज बस एंड में मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि खुश रहें खुश रखें और उसके लिए इस्लाम के दो पैरामीटर्स को फॉलो कर लें एक किसी जगह जाएं सलाम करें दूसरा अपने चेहरे पे स्माइल रखें तीसरा कोई काम ना करें आप फिर भी फील करेंगे कि आप खुश हैं बेहतरीन थैंक यू थैंक यू, यू। जी मेडा वैसे एक ब्रेक है कि था ना वैसे नाल सो, सो मिलते ब्रेक तो बाद जी वेलकम बैक मेडा सोना वसेब वसे, वसे खुशी महसूस कर करे उम्मीद भी है ता भी करें तो ट्राई भी सो कि इवें ही खुशियाँ तो देंदे डे रहूँ एजे मेहमान आवन जो तो कोई ना कोई एक गलता दे अच्छा खुशी का ताल्लुक नफसयात का ताल्लुक साड़ी सेहत, नाल भी दे। अगर तो सेहत है अगर थोड़ी सेहत ठीक है नहीं तो कोई बीमारी है तो कोई इशू है ਅਮ ਤੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੈਜ ਜੋ ਤੁਹਾ ਕੋ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਂਦੇ ਪਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਾਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਂਦੇ ਪਿਆ ਭਈ ਬਿਮਾਰ ਥਿਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਤਿਆਦ ਕਰ ਗੀਨੂੰ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗੀਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਆ ਦਵਾਈ ਖਾਵਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਸੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਗੀਨੂੰ कितना जरूरी है तो पॉजिटिवली माशा अगर मैं देखा कि इन्ह चंद सालों के कितना खूबसूरती ना अडोप्ट एक्सैप्ट है कि वाकई सबको एक ये डॉक्टर की नीड है जो सबको को दसे कि असं क्या खामना है क्या नहीं खामना कितना खामना है कितना नहीं खामना क्या जरूरी है क्या अस ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे बैठे से हूँ मैं देख दी अगर कोई हेक घर भी कोई हेक डू बंद अज जरूर हैं कहीं ना कहीं डॉक्टर न एक रब्ते चल जो उन्होंने डाइट प्लान तरतीब है, बायदा तौर पर लुक आफ्टर से। लेकिन वाल कर लेकिन विक शह है असा वर्डियाँ तो अपनी करके थी, अपनी सेहत की गाल थी, लेकिन अजक एक बड़ा मैं मेजर इशू चलता पे वो है बाला की सेहत बाला का खाव पीवन का क्यों को देखो खासकर न्यू मोम जो नाइनटीज़ तो बाद म मदरस हैं उन्होंने इशू ये कि साढ़ा बाल तो एक शैक खाँदा है ब्याो शैक नहीं खाँगा अच्छा इन्हें बहुत सारी रीजनज हैं असा उन्ह रीज़न को अप तो कर बैठे से असं टिप्स एंड ट्रिक्स तो शेयर कर बैसू क्योंकि मेरी मोस्ट फेवरेट डॉक्टर इंटर मौजूद है क्योंकि इन्होंने पहले मुलाकात थी भी थी आई इन्होंने जो साको टिप्स ट्रिक्स त डाइट देखा है दिल समझ आई दिमाग एक्सैप्ट करें इंसान को क्या बेहतर चाहिए क्या नहीं होना चाहिए मैं गाल करें बेटी टाइम मेरे मौजूद हैं डॉक्टर लतीफ न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो बेहतरीन जो हैं डाइट तो आपको बना के दे सन एक मुलाकात करनी लाजमी है मैं तो इतनी सर तुसा इन दिल वज करे सो असल कैसी आँगूं। हैं डॉक्टर थैंक यू थैंक यू सो मच कि आप आई हमें टाइम दिया हमारी सेहत के लिए थोड़ा सा थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी जी अच्छा डॉक्टर साहब माशाला से अब बहुत सोसाइटी में चेंज आ गया है अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको नीड है अपने आप को सुधारने की अपने डाइट प्लान्स पे फोकस करने की लेकिन दो तरह के लोग हैं या तो स्ट्रीम में या तो नहीं क्या कहेंगी आप, आप ज़्यादा बेहतर बता सकते आप बिल्कुल ठीक कह है, रही हैं कि इस वक्त सोसाइटी में हमें दो एक्सट्रीम्स नज़र आ रहे हैं एक वो जो हेल्थ कॉन्शियस है जो अपने आप को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं मोल्ड करना चाह रहे हैं और दूसरे हैं जंक फूड अपनी लाइफ को बिल्कुल उसकी हेल्थ के लिए कंसर्न नहीं है और सो रहे हैं जाग रहे हैं ज़िंदगी गुजार रहे हैं इंजॉय कर रहे हैं इंजॉय करना चाहिए लेकिन हमें अपनी लाइफ के लिए कॉन्शियस होना चाहिए conscious अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस होना चाहिए कि हम जी तो रहे हैं जिंदगी लेकिन उसको अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि क्या हमारे लिए बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है और उसको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, हैं। और पर्टिकुलरली आप बच्चों की बात कर रही थी तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो पहले पाँच साल होते हैं बच्चों के हम उनकी हैबिट्स डेवलप कर रहे होते हैं, हैं। तो वो माँ का रोल है उसके बीच में कि क्या एक्सपोजर देना है कैसे बच्चे को आप नए फूड्स इंट्रोड्यूस कराएंगे कैसे उनकी हेल्दी हैबिट्स बनेंगी वो बड़ा इंपॉटेंट टाइम बिल्कुल ऐसे जिसको आजकल की माइंड थोड़ा सा स्किप कर जाती हैं बिल्कुल कर जाती हैं और जब कैसे? बात बढ़ जाती है जब बच्चे का टेस्ट डिवेलप हो जाता है यानी कि वो नहीं आप एक चीज़ के आदि नहीं हो आपको खा सकते हो हम खा सकते हैं हम किसी भी कंट्री में चले जाते हैं हम वहाँ का फूड कब तक अवॉइड करते हैं हमें कोई मजबूरी ना आ जाए हम नहीं खाएँ बिल्कुल हम भिल्कुल किसी उस... और शहर का फूड एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि टेस्ट बर्ड्स हमारे डेवलप हो ऐसे... चुके हुए होते हैं और हुँ. बच्चों की एक साइकी होती है जब हुँ. हम छोटे बच्चे को फूड इंट्रोड्यूस इसको हम वीनिंग कहते हैं या पहली सॉलिड खुराक जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हम जब उसको देते हैं तारुफ कराते हैं उसका तो वो पहली चार दफा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उसने आपको ये रिस्पॉन्स करना है कि इसको निकाल देगा उसको अच्छा फील नहीं होगा जाहिर है वो एक मदर फीट पे है या फिर वो मिल्क अदरवाइज ले रहा है तो हुँ. उसको एक सॉलिड टेक्सचर पसंद नहीं आ रहा उसको आ, उसका टेस्ट पसंद हुँ. नहीं आ रहा उसके लिए एक डिफरेंट चीज़ है तो उसकी एक्सेप्टेंस कभी भी नहीं आएगी ऐसे. वो अनफॉर्चुनेटली माए समझती है कि इस बच्चे को तो ये पसंद ही नहीं आंदा से मैंने उसको कुछ और देना है तो उसका तरीका हमेशा ये होता है कि आप चार से पाँच दफा थोड़ा थोड़ा करके वो फूड उसको इंट्रोड्यूस करवाए

शायद इसी वजह से अभी भी हम कुछ बेहतर हैं हेल्दी हैं जबकि जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं वो आप देख लें टीन है जिसमें भी उनको इश्यूज आ रहे हैं उनको बायदा मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं आ रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल अब तो एज एज सेवन ईयर्स सात साल के बच्चे को हार्ट अटैक हो रहा है मसले आ रहे हैं आप ये नहीं कह सकते कि आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आप ठीक रहेंगे आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो आप ठीक ऐसा कतन नहीं है आप उम्र के जिस हिस्से में भी गलत फ़ूड को ग़लत लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करेंगे वहाँ वो आपके लिए प्रॉब्लम कॉज अच्छा बातों से बातें चलती हैं ना तो ऐसे ही होता है कि यहीं पर हम बात कर लेते हैं ख़ासकर उन खुवा को जो महंगी से महंगी क्रीम्स प्रोडक्ट लगा रही होती हैं अपनी स्किन के लिए हम जिस फोबिया का शिकार हैं उस फोबिए के लिए स्पेसिफ़िकली और हम लेज़र ट्रीटमेंट करवा रहे हैं हम बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें कर रहे हैं हम इनटेक क्या कर रहे करें माइनस उस चीज़ पे हम माइनस हैं फिर कहते हैं नो no रिजल्ट ये बात थोड़ा सा इस पर भी क्लियर करें कि ब्यूटी का कितना कंसर्न अभी आपने एक बात की कि हुँ? हम लेजर ट्रीटमेंट्स पे जा रहे हैं लेज़र हम कब करते हैं जब एक ऐसे इश्यूज होते हैं जो नॉर्मली फीमेल्स के साथ नहीं होते हैं हुँ. आप जा रहे हैं पिकॉज का नाम आपने सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होता क्या है कि जब हम बच्चों को एक इम्बेलेंस डाइट देते हैं हुँ. फ्राइज खा रहे हैं जंक फूड खा रहे हैं बर्गर्स खा रहे हैं कोक पेप्सी ले रहे हैं या कोई इस तरह के और डिफरेंट ड्रिंक्स ले रहे हैं जो कि कार्बोनेटेड बैवरेज हैं वो हमारी बॉडी में एक हद तक तो यूज़ होते हैं उसके बाद जाके वो फैट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में जो एडिपोस्ट टिश्यूज़ हैं उनका काम है कि वो स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प अब वो जो हॉमोन्स हैं वो इम्बेलेंस हो जाता है अर्ली ऑनसेट ऑफ प्योबर्टी आ रहा है उसकी वजह से एक बच्चा या बच्ची जिसने तेरह साल की चौ सोलह अठारह सात आठ नौ दस साल की उम्र में आपको वो चीज़ें नजर आ रही हैं वो हमारी डाइटरी हैं उसके बीच में पीछे जिसको हम नहीं। नहीं। आ, समझते नहीं है हम नहीं। हम बिलीव करते हैं वो क्रीम जो फेस पे लगा रहे हैं उस पर हमारा यकीन है लेकिन वो जो एक हेल्दी डाइट खानी है उस पर यकीन अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों का है भी लेकिन बहुत से लोगों का नहीं, है, तो आ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ना अपनी कन्वेंशनल जो पुरानी हमारी ख़ुराकें हैं उनके ऊपर जाएँ हम जिसको ऑर्गेनिक आपकी एक काम यूज़ हो रही है आजकल के ऑर्गेनिक है अपना उगाएँ अपना खाएँ वो भी हम जाके बाज़ार से ले रहे हैं डॉक्टर साहब ये बात ना मेरे अभी वो आपने नाम लिया ना मेरे जहन में पाँच छः ऐसी खातन आ गई जो इसी नाम पर जाके ले बाज़ार से रही ये भी तो एक हाँ जी बिल्कुल अब आप, आपके हाँ। पास अगर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं उनके तीन मरले के अगर घर हैं वो वहाँ अपनी सब्जियाँ उगा रहे हैं बिल्कुल सही कह है तो आप अपने अपने स्केल पे ट्रस्ट करें और घर में अपनी सब्जी उगाएं हाँ। और जितना आप कोशिश कर सकते हैं आप रिलाईबिलिटी काम करें आउटसोर्सिंग काम करें आप जितना हेल्दी फूड खाएँगे और मेरा ख्याल है पहली बेसिक नीड है फूड फूड अगर आप अपनी पहली बेसिक नीड को अच्छे तरीके से नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो आप कैसे ये यकीन रख सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी बाकी बहुत अच्छे तरीके से गुजार, बहुत तरीके से गुजार सकते तो आ, आपको अपनी खुराक पे हर लिहाज से उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे भी बिल्कुल देखिए आप में कैल्शियम की कमी है तो उससे आपकी बॉडी के आपके स्किन के कितने इश्यूज आते हैं बहुत छोटी सी एक बात है आपकी मूवमेंट्स जो हैं वो इफेक्ट हो जाती हैं आप Uh, अच्छा कैल्शियम में मजे की बात यह है कि आप दूध पी रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि शायद <laughs> आपका कैल्शियम पूरा हो रहा है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी हाँ, को कितना कर रहे हैं आप फॉर uh, इंस्टेंस uh, हम कहते हैं कि जी एसिड फॉर्मिंग अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो उसने सबसे पहले आपके कैल्शियम को वोन से एक्सट्रैक्ट हो है। तो जो ओवरऑल एक डाइट का फेस है उसकी एक शक्ल है वो बड़ी जरूरी है कि आप पूरे दिन में क्या खा रहे हैं पूरे दिन में क्या खा रहे हैं अभी लास्ट टाइम मैं भाई को चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर ने उन भाई दूध नहीं पी सकते तो डॉक्टर ने कहा कोई मसला नहीं आप दही खाएं कहते दही से आपको इशू है कहते नहीं दही से नहीं है मुझे मैं तो तो बेहतरीन बात है आपको मिल्क नहीं पसंद आप, आप ना पी। ले, ले? हां जी। और ये बात क्लिक की आप उसका अल्टरनेट निकाले और योगर्ट में आपको मजे की कि अगर आप एक ग्लास मिल्क लेते हैं और एक ग्लास ही योगर्ट ले रहे हैं तो कैल्शियम योगर्ट में डबल है डबल है बिल्कुल क्योंकि वो प्री डाइजेस्टेड फूड उसको बैक्टीरिया डाइजेस्ट किया हुआ है जब आप उसको लेते हैं आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ती कैल्शियम लिबरेटेड है वो आजाद है और आप उसको आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये चीज़ें जब आप एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे आप अपने प्रॉब्लम्स मैंने देखे है लोगों को बड़ी छोटी छोटी चीज़ों का नहीं पता जैसे वो चाय पियेंगे तो उनको लगेगा कि इसमें दूध तो जा ही रहा है हम दूध पत्ती <laughs> ले लें या हम कोई इस तरह की चीज़ ले लें उनको ये नहीं पता कि चाय के अंदर इतने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि कैल्शियम को बाइंड कर लेंगे हाँ। और वो अवेलेबल ही नहीं होगा और, और इस पर मैंने लास्ट टाइम हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे लाहौर से यकीन करें हमारी बात क्या थी टॉपिक क्या था और पूरा प्रोग्राम चाय पे हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ मैं एक दिन पहले पूरी इसकी ना एक डॉक्यूमेंट्री देख के आई थी जो कि हम चाय नहीं हम जहर बना के पी रहे हैं क्योंकि वो जितना हम बॉइल्ड करते हैं जिसको हम दूध पत्ती ऑफ कहते हैं और उसमें पत्ती और कावा तो कहीं होता नहीं है अजीब सा हम कुछ मिक्सचर बना के बहुत गाढ़ा सा पी लेते हैं वो हमारे अंदर जाके क्या कुछ करता है बिल्कुल exactly.

और इसी से एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक और निकलता है वो है ड्रग एंड न्यूट्रिएंट इंटरैक्शन मैंने एक डाइट प्लान बना के दिया आपको आपने है. वो किसी और को दे दिया उन्होंने किसी और को दे दिया अब होता ये है कि जैसे ग्रेप्स <laughs> तो वो अगर आप कोई ड्रग लेनी है वो आपके ड्रग के साथ इंटरेक्ट करेगा उसके लिए पूरा एक हिस्ट्री लेनी होती है कि आप जिसके लिए डाइट प्लान बना के हुँ. दे रहे हैं उसकी क्या हिस्ट्री है मेरे बहन में ये बात आई आप तो डाइट प्लान शेयरिंग की बात कर हैं हम तो आवाम तो है वाकई नहीं करते बॉडी टाइप के लिए आपकी मेडिकेशन के साथ इफेक्टिव है वो मेरे लिए इफेक्टिव नहीं है और आप कभी पतले नहीं हो सकते जब तक आप किसी डॉक्टर के जेर नजर नहीं है ये बहुत जरूरी बात है आप वीक हो जाएंगे वीक हो जाएंगे आप हाँ। आपको ये नहीं पता कि वो वाटर लॉस है जो आप वेट लॉस कर रहे हैं वो वाटर लॉस है या वो वाकई ही आपके एडिपोस टिश्यूज का लॉस है बिल्कुल ऐसी है तो वो हाँ। यूजुअली डिहाइड्रेट होकर हम समझते हैं कि जी हमारा वेट <laughs> लॉस हो गया है हकीकत अच्छा डॉक्टर साहब अब दो चीज़ें हैं एक तो मैंने थोड़ा सा बच्चों की क्योंकि हमने योगर्ट की बात की है तो बड़ी अहम चीज़ मेरे माइंड में आई है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी देन क्योंकि नेक्स्ट मंथ हम डिस्कस कर रहे थे जिस तरह से कैंसर की बात है और उस पर भी थोड़ा सा हम डाइट के ऊपर आते हैं लेकिन यहाँ पे मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी कि अब हमने क्या किया है योगर्ट अच्छी चीज़ है ये पता चल गया अब उसमें फ्लेवर्ड जो मार्केट में मिल रहे हैं पैकिंग के अंदर वो हम ले बच्चों को दे रहे हैं और वो हम कह रहे हैं कि हमने डबल कर दिया जो भी किया क्या वो उतने हैं उसके अंदर क्या वो हमारे बच्चे के लिए ठीक देखिए फ्लेवर चीज जो आप घर में प्रिपेयर कर रहे हैं अपने सामने कर रहे हैं वो ट्रस्टेबल है जो आप बाहर से ले ले रहे हैं प्री पैक उसके उसका कोई ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल सही अगर है। आप स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ले रहे हैं आपको पता है उसमें स्ट्रॉबेरीज डाली गई हैं या नहीं डाली गई हैं स्ट्रॉबेरीज के क्या बेनिफिट्स हैं और उसको आपने कैसे लेना है तो आई वोंट रिकमेंड कि आप जो है वो फ्लेवर्ड लें आप घर में एक स्ट्रॉबेरी का शेक बनाएं उसको जाग हाँ। लगाएं और आपका फ्लेवर्ड योगर्ट तैयार है बेहतरीन आप थी मैंगो का शेक बनाएं उसको जाग लगाएं आपका मैंगो फ्लेवर्ड योगर्ट तैयार है आपके बच्चे को जो पसंद है आप उसको वो वाला योगर्ट बना के दे सकते हैं रीजन ये भी है ना कि आप मॉम्स uh, इतनी बिजी हैं कि लिटरली uh, मेरे साथ ये वाक्य हो चुका है एक दो दफा एक दफ़ा भी नहीं एक दो दफा हो चुका है कि योगर्ट कैसे बनाते हैं यस हमारी सोसाइटी का ये सबसे बड़ा एक इशू आ रहा है कि टाइम नहीं है जबकि बहुत टाइम है स्क्रॉलिंग अगर हम छोड़ते हैं तो हमारे पास ह्यूज टाइम हमारे पास टाइम नहीं है उस टाइम ना होने की वजह से आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं आपको नहीं पता कि उसके मुंह में जा रहा है आप उसकी आंखों में दे रहे हैं क्या करें क्योंकि आप स्क्रॉल कर रहे हैं ये कुछ मेम्स भी बनी थी इस तरह की कुछ वीडियोज और पिक्चर्स भी वायरल हुई थी ये रियल था ये रियल है है बिल्कुल है। जी अनफॉर्चुनेटली लाइफ स्किल्स जिसको हम कहते हैं ना वो हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं सुबह उठे बच्चों का बैग पैक किया गाड़ी में रखा स्कूल छोड़े वापस आ गए इसी तरह आपका ढाई साल का बच्चा स्कूल जा रहा है और जब वो तेईस चौबीस साल का होता है तो वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर आता है मेन हमने उसको कुछ नहीं सिखाया ना उसने हमें ऑब्जर्व किया ना हमने उसको बताया तो फिर आपके पास ऐसी मदर्स आएंगी जो कहेंगी कि योगर्ट जो है वो बने। कैसे बने कैसे बनेगा और वाकई हमें हैरत होती है वाकई हैरत होती है कि देखिए ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक हैं आते हैं हम थोड़ा सा अब उन अफरा की तरफ लेडीज़ की खास कर लेडीज की तरफ क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के अगले महीने एक बाकायदा डे डेज इसलिए मनाए जाते हैं डॉक्टर साहिबा शायद कि आवाम समझ सके हम उनको अवेयर कर सकें हाँ कि क्या है क्या नहीं है हम डाइट से किस हद तक बच सकते हैं इस मुजर बीमारी से बिल्कुल आपने ब्रेस्ट कैंसर की जहाँ तक बात है डाइटरी रोल्स इसके बीच में बहुत ज़्यादा हैं अगर आप इंसिडेंट्स पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का देखें तो सबसे ज़्यादा आपको के में मिलेगा अच्छा रेड मीट इनटेक के साथ ब्रेस्ट कैंसर का लिंक बहुत ज़्यादा है ओके okay. और अभी ये क्लैरिफाई नहीं है कि वो रेड मीट पर्टिकुलरली प्रोटीन से है hmm. या उसके अंदर क्योंकि फैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो वो फैट से है लेकिन जिन लोगों की डाइट में रेड मीट hmm. बहुत ज़्यादा है और फैटी लीन नहीं जो, जो बहुत ज्यादा चर्बी वाला गोश्त hmm. इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की रेशोज बहुत ज़्यादा है okay. तो यकीनन हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और अगर खुदा ना खास्तर किसी को हो जाए hmm. तो कंट्रोल करने में भी जो है हम डाइट को मॉडिफाई करके कर सकते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एनिमल जो जो रेड मीट है जैसे आ, आपके गाय बकरी का जो गोश्त है उसको अवॉइड करके आप कर सकते हैं और इसके अलावा मटन मटन और बीफ को मटन और बीफ को हम अवॉइड कर सकते हैं और इसके अलावा जो और चीज़ है वो ये है कि हम अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और अब रिसेंटली जिस चीज़ पे काम हो रहा है वो है फर्मेंटेड फ़ूड्स डिफरेंट ड्रिंक्स भी बन रहे हैं जैसे अचार हो गए हमारे मुरबे हो गए या ऐसी चीज़ें जिनको हम दही के साथ बनाते हैं वो बड़ी अच्छी हैं बहुत हेल्दी हैं उसके अंदर हेल्दी बैक्टीरियाज़ हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जो रिसर्च हो रही हैं वो कह रही हैं कि आपकी जो गट हेल्थ है आपकी जो आ, जी आई टी ट्रैक की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी पूरी डिजीज़ कॉज करने के लिए। बिल्कुल और ये लास्ट मैंने भी इसको स्टडी किया है और मैं प्राइज्ड होती गई कि जिस चीज़ को हम बिल्कुल इग्नोर करके बैठे हैं बेसिक इशू वहाँ बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। और आ, आपको अगर आइडिया हो तो पहले तो लोग बुजुर्ग कहते भी थे कि कब्ज़ जो है वो उम्मल अमराज है आप अपने जो है वो गट की हेल्थ के ऊपर फोकस करें और कन्वेंशनल डाइट्स पे जाएं तो दही खाना मक्खन खाना और कोर्स आटे की रोटी खाना तो कितना ये कॉमन चीज़ कितना कॉमन चीज़ है पानी आप का सही इंटेक, इंटेक करना चाहिए और कॉन्स्टिपेशन के साथ आप कितनी सारी बीमारियों को कर रहे होते हैं जस्ट और ये अच्छा इसका वाकई हल डाइट है मेडिसन जो यूज़ कर रहे हैं वाकई ही एक दफ़ा ट्राई कि वो डाइट की तरफ ऐसा इसकी डाइट थोड़ी सी हमसे शेयर करें क्या कॉन्स्टिपेशन uh, तो में हुँ. जो है आपने ज़्यादा रेशे वाली सब्जियाँ ठीक है फ्रूट और जो चीज़ हमने आजकल अपनी डाइट से निकाल दी है वो है बीज जैसे सीड्स जिनको हीँ, हम कहते हैं हीँ. आप पॉपकिन के सीड लें आप तेल तेल लें आप अपनी डाइट के बीच में ज्यादा से ज्यादा अलसी के बीज इस्तेमाल करें और ये बीज जो है ना ये फाइबर रिच भी होते हैं और इसके बीच में वो वाले फैट्स होते हैं जो कि हमें कैंसर से भी प्रोटेक्ट करते हैं और चाहे वो आपके इंटेस्टाइन का कैंसर है चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है तो हमें ना फोकस करना है उन डाइट्स पे जो प्रोसेस नहीं है सिंपली सीड उठाएं आप उसको अपनी डाइट में शामिल करें आप सिंपली जो है वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स लें उसको अच्छे काटें और उसको इस्तेमाल करें हमें बहुत मुश्किल तरीके से पकाने वाली चीज़ों पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है अच्छा आ, बड़ी अहम बात आ गई माइंड में और हम कुक्ड चीज़ें जो हमारे घर में भी बन रही हैं पहले टेस्ट बड़ा यूनिक होता था और हर चीज़ का टेस्ट सेम नहीं होता था हर चीज़ अपनी शक्ल रखती थी अपना टेस्ट रखती थी अब हम मैं बाकायदा कहूँगी अब हम कुकर यूज़ करते हैं हर चीज़ में और वो ओवर कुकड हो जाती है इस बारे में थोड़ा सा हमें नॉलेज देखिए अगर हम सीरियल और ग्रेन्स की बात करें बल्कि मेरा मेरी इसके ऊपर रिसर्च भी थी कि आप जितनी ज़्यादा देर उसको भिगोते हैं और जितनी ज़्यादा देर उसको पकाते हैं तो उसके बीच में एक केमिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम फाइटेट्स कहते हैं ठीक है वो जितने उस सीरियल्स के अंदर मिनरल्स होते हैं आयरन हो गया कैल्शियम हो गया उनको बाइंड कर लेता है तो जब आप वो खाते हैं तो वो आपको अवेलेबल नहीं होता इसलिए ओवरनाइट सोकिंग जैसे हमारी माए पहले करती थी कि जी जो चने हैं रात को भिगो दिए ताकि सुबह उसको आराम से पका लें तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है ये कुकर से हम बड़ी जल्दी जल्दी तो कर लेते हैं चीजें लेकिन जो उसका फायदा हमें मिलता है वो नहीं मिल सकता नहीं मिलता और आपकी वाली बात के टाइम ही नहीं है टाइम नहीं, नहीं है वही बात है टाइम नहीं है लेकिन बच्चों की हेल्थ पे अगर हम देखें तो हम उन्हें लंच बॉक्स पे आते हैं थोड़ा सा हमें ना आज चले किसी का भला करते हैं बच्चों को लंच बॉक्स क्या दें कैसे दें चले ये सवाल मैं पूछ लेती हूँ क्या खिलाएं बच्चों को लंच बॉक्स में क्या पैक करें देखिए दे? मैं आप दे आपको बताऊं पांच फूड ग्रुप्स हैं जहाँ से बात करें सिंपल बेसिक मैं आपको बात बताती हूँ जिसमें क्या है हमारी दालें ठीक है सब्जियाँ फ्रूट दूध से बनी हुई चीजें और गोश्त सही ठीक है इसमें से दो चीज़ें जो बड़ी जल्दी खराब हो जाती हैं एक गोश्त से बनी हुई चीज़ और एक दूध से बनी हुई चीज इसको हम कहते हैं पेरिशेबल फूड्स की ये बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं अब लंच बॉक्स क्योंकि कम से कम हम हमारे बच्चा जब लेके जा रहा है तो उसने तीन से चार घंटे के बाद लंच लिया तो हमें उसके बीच में पहली फूड सेफ्टी का जो असूल रखना है वो खराब होने वाली चीज़ ना हो ना हो ठीक है हम बनाना रख सकते हैं फ्रूट में आपको पता है सबसे सेफ है सबसे पील से के साथ, से है, साथ है किसी भी वक्त निकाल के उसको जब हम अनपील करेंगे उसी वक्त हम उसको खा लेंगे कोई और फ्रूट हम दे सकते हैं हम हाँ उसके बीच में उसको ऐसे ब्रेड्स दे सकते हैं ब्रेड में भी मैं याद होगा हमारी, हमारी होती थी कि जी मुख्त सीरियल्स को मिक्स करके अच्छा आज बाजरे की रोटी बन रही थी आलू वाले पराठे हैं दूसरे हमारे पास पराठों की इकसाम इकसाम है जो सालन बचता था हमारी मदरसा पराठा बना के हमें और में बच्चों के लिए आपने थोड़ा सा इनोवेटिव करना आपको जरूरी नहीं है कि वो गोल किस्म का पराठा बनाए हाँ, आप आजकल इतने मोड्स आ गए हैं आप कोई बियर की शेप का पराठा बना के दे दें आप उनको कोई ट्राइंगल्स बना दें अगर अगर आपका बच्चा शेप सीख रहे ना तो आप डेली एक नई शेप का उसको लंच बना के दे दें बिल्कुल ऐसे लेकिन आपने करना क्या है वो फूड की चॉइस आपकी हेल्दी होनी चाहिए आपने बाजार से कोई चीज़ नहीं लेके आनी अगर आपने शामी कबाब बना रहे हैं आप घर में बना लें बच्चे नगेट्स खा रहे हैं आप नगेट्स घर में बना लें बना लें बर्गर बना हैं बर्गर पैटीज आप घर में बना लें बना लें तो जो चीज़ें आपने खुद अपने बच्चे के लिए जिस मोहब्बत से और जिस सेफ्टी के साथ तैयार की होगी वो कोई भी नहीं करेगा बिल्कुल और ये जो हम ब्रेड दे देते हैं बच्चे एक तो खाते नहीं हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड बात ये है कि इस तरह की चीज़ें क्या हमारे सामने बनती हैं उनकी डो कैसे बनती है मशीनों में किस तरह से जाती है Uh, मैं तो बहुत अब आके खिलाफ हो जाती हूँ अक्सर बाजार की रोटी से जो नॉर्मली हर घर में आती है कि जो कुछ हो जाएगी तो एक जैसे था ना कि एक टाइम पे एक लतीफ़ा बन गया था घर आते हुए बच्चों के पेम्पर्स लेते आना और दूध लेते आना अब इसमें एक चीज़ का इजाफा हो गया है कि रोटियाँ भी लेते हैं रोटियाँ भी लेते हैं और ये कितना हाइजीन है ये क्या है थोड़ा सा इस बारे में अगर हम ऐसे रफली सा बता दें तो ये भी तो बड़ा अच्छा हो जाएगा देखिए रोटी जो है ना वो हमारी एशियंस की एक बेसिक, बेसिक जिसको हम स्टेपल कहते हैं हाँ कुछ भी बनाओ रोटी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है और सही बात भी है जो हमें सारा दिन चलने के लिए एनर्जी चाहिए खान हाँ, रोटी हमें फॉर एग्जांपल मैं हूँ मैं डाइट भी करने वाले बंदा हूँ कि मुझे अपना फिटनेस का भी ध्यान रखना है लेकिन चूँकि रोटी के बगैर हम लोगों की सांस नहीं आती हम लोगों को उसको लाजमी चाहिए होता है एक दिन में एक नॉर्मल फीमेल को कितनी एक रोटी खा है। रोटी आप, हाँ, है। है। आप दालें भी ले रही हैं उसमें आप बीन्स भी लेंगे उसमें आप चने भी लेंगे उसके बीच में आप रोटी भी लेंगे समटाइम्स आप चावल भी ले रहे होते हैं तो बजाय इसके कि रोज हम रोटी ही लें हम उसके साथ कोई और एक ग्रुप है ताकि रोटी के अंदर हमें और न्यूट्रिएंट मिलेगा और किसी और सीरियल के अंदर हमें एक डिफरेंट किस्म का न्यूट्रिएंट yeah. मिलेगा जैसे बेसन की रोटी बना लें, जैसे आप चावल के की की रोटी, रोटी ही खानी है उसमें छोटा छोटा करके ना सब कुछ आ जाता है आ जाता है वो अब लंच बच्चों के लिए लंच बॉक्सेस की बात करें तो वो आए हुए थाली सिस्टम वाले अच्छा सही आपके बीच में फ्रूट का पार्ट रखें ब्रेड का पार्ट रखें उसके साथ आप कोई ऐसा ड्राई मीट का पार्ट अगर इन लोगों ने सोचा अदरवाइज समझ नहीं आती थी मैं देखती थी और मैं सोचती थी कि बच्चे क्या करते होंगे किस तरह से करते होंगे कि वो सब कुछ ही मर्ज हुआ पड़ा है हाँ जी क्या आप खा सकती हो इतने घंटों बाद <laughs> वो ऐसे ऐसे कुछ हाँ, हो जाता है और फिर अब जो मैंने अपने बच्चों को एक चीज़ प्रैक्टिस कराई है वो ये है कि आपने लंच लेने के बाद एक एप्पल लेना है रॉ एप्पल मैं उनको साथ देती हूँ और इसका फायदा ये कि जो कैविटीज हो रही है ना आजकल बच्चों की कैविटी नहीं होती

और खासकर बिल्कुल एंड एंडिंग है और ये वो टॉपिक है जिसपे हम पूरा दिन क्या जब मर्जी हमें बात करवा लो हम कर सकते हैं बेसिक ये है कि बहुत सारी आजकल ऐसी मार्केट में विटामिन्स के नाम पे बहुत कुछ मिल रहा है जो इतना फंटे लगता है इतना ब्यूटीफुल पैकिंग में होता है कि पंद्रह दिन में वो लड़की की तरह स्मार्ट भी हो जाएंगे पंद्रह दिन में आपके नाखून बाल स्किन पता नहीं क्या हो जाएगी और नहीं होता भी होगा जो मेडिसन होती हैं ये सही भी होती हैं लेकिन जिस मकदार में आ रही हैं और फ, फ, फेल हो रही हैं कि हम जाते क्या करने और हम, हम अट्रैक्ट होते हैं और हजार रुपये हमारे खाते हैं मैं आपको एक सिंपल टेप हाँ। दूँगी इसके जवाब में वो तो जो भी हो रहा है वो एक अलीहदा आपको फायदा है कुछ फ़ायदा इसका इसलिए नहीं है क्योंकि हम नेचुरल फूड को छोड़ रहे हैं ना सही देखिए वहाँ आपको कितने मिल रहे हैं हद आपको वो कोई ट्वेंटी मल्टी वाइटमिन और मिनरल्स उसके बीच में दे देंगे जब आप एक फूड लेते हैं उसकी जगह तो आपको क्या क्या कुछ नहीं उसमें मिल रहा फाइबर मिल रहा है माइक्रोन्यूट्रंट मिल रहे हैं वाइटमिन मिल रहे हैं मिनरल्स आप उसके बीच में मिल रहे हैं और अब तो एक नई क्लास आ गई है जिसको हम पहले एंटी न्यूट्रिएंट्स कहते थे लेकिन अब फाइटोकेमिकल्स कहते हैं अच्छा कि वो अब आपको मिल रहे हैं जो आपको डिजीजेस से बचाते हैं आपकी बॉडी के अंदर जो एक बैलेंस आउट होता है जिसकी वजह से क्रॉनिक डिजीजेज होती हैं जैसे कैंसर हो गया हार्ट हार्ट हार डिजीज हो गई वो प्रोडक्ट्स आपको उनसे बचाते हैं तो एक वाइटामिन लेने की बजाय ना आप सेब पील करते हैं उसके छिलके को ड्राई कर लें और उसका कहवा बना कर पी लें ओके okay, तो आ, आपको पता है नेचुरली क्या होता है कि हुँ. जो पील होता है ना उसके नीचे नीचे मिनरल्स सबसे ज्यादा होते हैं वाइटामिन सबसे ज्यादा होते हैं okay. हम पील करके फेंक देते हैं उसको डिस्कार्ड okay, कर देते हैं okay. आप उन पील्स को शेड्स में ड्राई करें धूप में नहीं करना ड्राई करने के बाद आप उसको अपने एक उसमें रखें जब एप्पल का सीजन नहीं है आप एप्पल टी बनाएं और उसको इस्तेमाल करें ग्रेट आई विल ट्राई मैं ज़रूर करूँगी और इस प्रोग्राम का जो सबसे मेन चीज़ हमें मिली है हमें वो ये कैवा मिला है क्योंकि बहुत सारी बात में एक बात भी अगर आपको अपने लिए मिल जाए तो समझें आपकी मुलाकात बहुत बेहतरीन गई है कि हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा अपना ख्याल रखें और मेहनत करके ख्याल रखें डॉक्टर साहब क्या कहना चाहती हैं हमारी आवाम से दिल की बात सेहत के हवाले से खासकर जिस चीज़ में आप माहिर हैं उस हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम मेहनत को ना छोड़ें मेहनत जो है बज़ाहिर मदर आपको मुश्किल लगेगा कि खाना उठ के पकाना और ख़ुद से घर में सारी चीज़ें तैयार करना लेकिन ये अगली आने वाले पचास साल के लिए आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ बहुत है खुदा रहा अपने किचन ख़ुद ज्वाइन करें और मेड्स को प्रोसेस फूड्स को रेडी टू

ਮਿਆ ਬੋਂਪੁਜ EJ ਕਾਵੇ ਤੇ EJ ਅਈਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਸਨ ਬ੍ਰੇਕ ਅਸਾਂ ਗਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਸੋ ਨਾਲ ਰਾਸੋ वसे वेलकम बैक इंतजार ख़त्म वो सेगमेंट आ गया जी जिन सैगमेंट कामयाब शख्सियात को मिलते वे अच्छा कामयाब शख्सियात बहु हैं सारी दे धरती देखो तब तो बेशुमार लोग हैं लेकिन जी टाइम तो कोई एजा शख्स मिलता है जी शख्सियत सामने बैठी होवे जिंदा ताल्लुके काम हो, तालुक कम हो ता, बड़े सीनियर हो कम भी यह कम अपनी अलग अलग पहचान रखेंगे हो तुस तुसा सोचो कि तुसा कितने एक्साइटेड थी सदाकू तो कितना सुनहरा मौका मिले कि तेख सकते सीखना यह जे लोग आ के सिर्फ देवे दे कोई उंगली पकड़ के कह नहीं सीखेंद गल है कि तुसा करना क्या है ये गाल ही जो करेंदी बैठी हैं कि जरा टिक के बह वजो होश न बह वजो ये देखो कि क्या लेंदे बैठे क्योंकि इतने साल इतने महीने इतने दिन, इतने घंटे इतने सेकंड आदि मेहनत है वो मेहनत की कहानी है वो मेहनत की वो कामयाबी है जो तसो तो सीख वे सो सिर्फ समझण वाली जोड़ी लाइन है ना समझ के मैं तारुफ करवेसा मेरे नाल इन मौजूद हैं कासिम सियाल साहब कासिम सियाल साहब की अगर तारीफ करा तो ता ये कि सारी धरती की पहचान है इन तू अला सिदार्थी अवार्ड याफ्ता कॉलम निगार अफसाना निगार सफरनामा निगार दानिशवर बेहतरीन इंसान हैं ये हाल बहु घटाया है बहु लंबी सर जो क्रेडिट है ना बहु वसी है जी बिल्कुल ठीक ठाक बहुत शुक्रिया एंड टाइम इमोशन ट्रूली इंज पे कि जिम्मे मैं तारुफ रात पढ़े सवेरे पढ़े मैं वल पढ़े हूँ बैठे आवे मैं वल पढ़ती बैठी हम कि मैं आखे कि इतना सारा कुछ इतना माशाल्लाह बेहतरीन वर्क अगर रेडियो की गाल करो अगर पीटीवी की गाल करूँ वल मैं सोच नहीं बैठी हम कि पॉइंट जिंद उ मैं ज्यादा गाल करनी है अच्छा इतने देर प्रोग्राम शुरू थी थे वल मैं ये ना इंसाफी थी वैसे अब सर कहानी सर तू तो सा शुरू तो गिण तक वल समझो कि मैं कंप्लीट सुन सकती हाँ क्या कहें इब्तद अगर करूँ तो रेडियो पाकिस्तान मुल्तान को सेवनटी फोर को नाइनटीन सेवनटी फोर को मैं था पहले पहले लिखता मैं एक ड्रामा चाचा लिफ खाली तो तकरीबन मैं त्रै साल लिखा अच्छा थोड़े जैसे मिलते सौ भी रुपया मिलता है मिल और मैं एमए करता पी माशियात उन खर्चा शर्चा निकल आंद स्टूडेंट तक हमेशा जरूरतमंद रहा ते ए, पल पल ते आ, ये इब्तदा ही वल मैं कुछ अरसा इमरोज कलम यूनिवर्सिटी मैगजीन लिखता रह गया मैं वाल आफ्ताब अखबार कॉलम पे चुखाम के नाम लिखा रह गया बाद लाइफ इनकी शुरू थी है टीवी दी वसे टीवी मैं आठ साल कम के थे। हर किस्म दे प्रोग्राम के प्रोग्राम कि लाइव भी किते म्यूजिक भी कि कल्चरल भी किते मजहबी प्रोग्राम भी किते इत पी टीवी जी। मुल्तान जी इन दोते भी बहुत सारे काम कितन बस ये हाल ची काफी सारे प्रोग्राम कितन वहाँ जो प्यार कितो इमेज गुजार एक शाकर शिज़ाबादी सात दिन अलग हाँ। प्रोग्राम कितो से सूफी रंग हाँ। एक कई महान रे लोग आ, वस्ते वेढे हरियाली सोजला बहुत सारे मतलब केड़े पेड़े केड़े याद करें वो गाले ना कि मैं ही अच्छा, ड्रामा भी लि, ड्रामा, लिखे जी, बिल्कुल। ड्रामे भी मुल्तान लिखे बल्कि इंटरस्टिंग है ड्रामे बिल्कुल इंटरस्ट कहना है जमहत आवास प्रोग्राम मैं पिछले कोई त्रेवी साल ਕੈਸਬ ਨਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਸਰ ਐਰਟਿਸਟ ਨੇ ਬੜੇ ਬੀਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਮੰਜੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਬਸ ਉਹ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖੀ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਮਹਿਮਾਨ इन टाइम सा एक होर बेहतरीन शख्सियत मौजूद हैं प्रोफेसर अनायत अली कुरैशी साहब सर क्या हाल है ठीक ठाक का शुक्र है सर की तारीफ़ माहिर उस्ताद उसताद एक बड़ा दर्जा है वो इंसान जो के लोगों के मुस्तबिल जमिन होते है जो कि नस्लं बने दानदान देखो वल कितने ख़ानदान बिल्टअअपन उन्होंने तरक्की इन्हों उ डिपेंड करेंगी

जो सानिया हुआ अल्लाह जोसान गरी रहमत करे आमीन और मैं पी टी बी का इंतहाई ममनून हूँ मुल्तान और उन्होंने मुझे दोबारा यहाँ पे यानी कि बुलाया और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अच्छा इसलिए महसूस हो रहा है कि आज मैं सियाज साहब के साथ हूँ बिल्कुल और ये मेरे लिए बड़े आनर की बात है मेरे बड़े पुराने दोस्त साथी समाजी साथी और इन अदब और जो पोर्टफोलियो इनका है वो हम उससे सीखते हैं मुझे एक और एज़ाज़ भी हासिल है कि मेरी जो बेटी हैं यानी कि सिया साहब की जो बेटी हैं वो मेरी रूहानी बेटी भी हैं शर हैं मेरी हैं अहमेड शायद उन्होंने हमारे पास से किया था तो ये जो खूबसूरत मुल्तान है ना जी और जो हम लोग मिलकर इसे और ख़ूबसूरत कर रहे हैं इसे हम इलमी लिहाज से अदबी लिहाज से और तालीमी लिहाज से समाजी लिहाज से इसकी खूबसूरती में रोज बरोज अजाफा होता जा रहा है बोकात हमें आशी करना ली ने सर कि शहर सारे मोहतरम मुल्तान फिर मुल्तान है ऐसे अपने रूहानी शर्फ से रूह पाकिस्तान है हकीकत है सर हमारा शहर बहुत खूबसूरत है पाकिस्तान पूरा बहुत खूबसूरत है क्योंकि पाकिस्तान सारा हमारा है इसी के साथ ही सियाल साहब की तरफ आना चाहूँगी सर आप की दो बुक्स को अवार्ड भी मिल चुका है उसके बारे में जानना चाहूँगी सबसे पहले और बहुत कुछ है पूछने को बहुत लंबी लिस्ट है इसलिए मैं पूछने के लिए बड़ी एक्साइटेड हूँ और बुक्स आप साथ साथ दिखाएंगे सर मैं आ, बहुत ही ज्यादा उपरखती हूँ सफरनामा मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है ठीक अच्छा, ये, ये है मेरा। ਪੰਧ ਪੰਧ तो ਰਾਕੀ ਦੇ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਲਕੇ ਐਮ ਐਮ ਐਸ ਰਾਕੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਚ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਰ ਇਹ ਕੈਮਰੇਜ ਅਗਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜ਼ਬਰਖਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੈ ਕੋਸਤਾਰੀ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ 2007 ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ THAILAND ਤੇ तो मेरे वास्ते इजाज़ दी गाले है ए, ए, है हैं कि मैं कुं ये मेरी डूजी किताब है पहले मेरी आई अब्बाबील में भी आ रहे थे कालमंदी किताब तो डूजी आये सरकीज सही पांद पंद्रह डू दे ठीक तो डूजी लिखाओ तो उन दा भी दिशेसो के उन्हें बेच क्या है टॉपिक एक कालमंदा मजबूर है ठीक बेहतरीन मैं अखबारी आ, ए, मुख्तलिफ कलम मुख्तिफ इत इतने समाजी कलम भी सकाफती भी कुछ मजहबी रंग आए मीशत के हवाले नाल मुख्तलिफ मौजुआत इंदू कालम इन्दों અ બલકે કાફી سارے લોગાને ઝારે રાયવી કીતે જાવેદ ચૌધરી સાહેબ 0. જી ઉને ભી કીતા હે જબાર મુફતી સાહેબ માય મોસ્ટ ફેવરિટ રાઇટર જી જી બિલકુલ ઉનદે અલાવા ઉને બલકે મેરેતે કલમ મે લિખાયા હે અચ્છા બેહતરીન સર જી ઇનદે અલાવા جناب જબાર મુફતી સાહેબ જબરદસ્ત ઓર એડિટર નવાબ અબ્દુલ ઉન્નાને ભી ઉનતે લિખાયા કાફી હફીઝ ખાન સાહેબન પર ઝહૂર અમાન સાહેબન જી

मुख्तलिफ अच्छा उनके हवाले ना लोग अमूमन फोन करके आदन जी इधर कोई नंबर आए थे तो वो आदन जी ऐसा को बड़ा अच्छा लग रहा है ये एक, एक याददाश्त पे लोग अभी मेहरबानी है जी जेड़ा ऐसा को जिंदा रखा है किताब हमेशा जिंदा रहती है और राइटर को भी जिंदा रख दिए अच्छी किताब है निशानी है कलम देवे जी इतनी ताकत हो गई तो हमेशा अल्फाज जिंदा रहे हैं जी सराकी दी पहली किताब है जोरी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो दे हवाले नाल लिखी गई है क्या खूबसूरत है धी धरती दी बेहतरीन जी बेहतरीन उने दी इंदे ते पूरी हयाती तो उंदे बाद उने दे डेथ दे, दे बाद जो भी वाकयात हैं इंदे ते इको ए एजाज भी हासिल है के पहली सराकी दी किताब है बहुत सोनी है बेहतरीन सर बेहतरीन बल्कि उस जमाने अकादमी अदबियात दे चेयरमैन और जरदारी साहब ने भी मुलाकात थी प्रेसिडेंट हन मोले उन्हें आखिया जी अस चाह अपनी जबानी चाहिए उर्दू बोलने लगे <laughs> तो आखिर नहीं मुल्तान बंद उर्दू बोल खशू सक अच्छा इनके अलावा इश्क भी तू मेरे हज उमरे के हवाले ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਜਵਾਦਨ ਰੋਹਨੀ ਟੱਚ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਲਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਦੇ ਤਸੱਵੁਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਖਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਮિજાਜ ਵਿੱਚ ਮਲਤਾਨੇ ਦੇ ਮિજાਜ ਵਿੱਚ ਮਲਤਾਨ ਦੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ अल्लाई की तरफों सलाहियत भी हो कि कलम की ताकत को इस्तेमाल कर सद लिख सद बड़ी मीन जर्नी खूबसूरत है कम बड़ा डिफरेंट है कम अलग अलग हम एक तरफ जॉब बैंकर्स बड़े आते थे कि उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं होता नॉर्मली अगर गाल करूँ तो इतनी डेप्ट कै नहीं आती वो अपने ज्यादातर अकाउंट्स तक ही रह क्या दिन उन्होंने जी दोस्ती आती है वो गिनती बहुत ज़्यादा आती है कैलकुलेटर न बहुत ज़्यादा आती है लेकिन ए फील्ड ओ फील्ड वेरी डिफ डिफरेंट किमें की कि मुश्ताक यूसवी साहब को देख गुदा ने जो बैंक कारण पे जी वो सारे वास्ते एक रास्ता खोल के नहीं सवाल दा जवाब देवण वास्ते मेरे ख्याल चो ने इनके उनदा ना, ना, ना काफी है उनदा ना ही काफी है ठीक हो गया बाकी ये जेड़े ना हां

ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਤਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਥਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੀਏ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਾ ਪੰਜਨ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮਲੇ ਅਸਰ ਨਦੀਮ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਮਲੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਲ ਕੁਲਿਆਤੀ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁxtਲਫ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਸੇ ਤੇ ਕੁਝ ਅਫਸਾ तो किताब वाली ने बाद मैं महसूस है कि ताके मैं अपना माफी ज़मीर जेड़ है ना जी वो नसर ज़्यादा बेहतर तरीके ना ज्ञान कर सकता सर कुछ तो सुने सो अच्छा जी सुनवारे ने ताको पुराने हाँ याद था जी आ, कुछ रोज हुए इस महफिल में जब दोस्त इकट्ठे सारे थे क्या बात तुम जीत गए थे जाना हम दर्द के मारे हारे थे हारे थे क्या बात एक दर्द सा दिल से उठा था उठा और था खून था। के बहते धारे थे हारे थे उस बज में मैंने जब यारो एक गीत अधूरा गाया था आला उस बज में मैंने जब यारो एक गीत अधूरा गाया था तब साथ मेरे तुमने देखा एक धुंधला धुंधला साया था था दर असल वो साया ही मुझको इस बज में खींच के ला लाया था, था। उस रोज की यादें रह रह कर अब तक यूं दिल में आती हैं। आती हैं आँखों में आती हैं धुआं सा लाती हैं अशकों के दीप जलाती हैं आला। सीने में आग लगाती हैं और रह रह के तड़पाती हैं तुम सब उस बज में हाजिर थे हाजिर थे फिर मेरा बताओ कसूर था क्या कसूर था क्या जब छोड़ के मुझको जाना था फिर पल भर का ये जहूर था क्या है कमाल कमाल सर, बहुत आला, बहुत आला। सर, आ, इवें ही ये गाल मैं हूं सड़े दर कि जो लिखण की गाली पे राइटर की गल थी पे सर थोड़े नाल गाल करेंसा ओ कि पहली पुरानी गाली क्या रिपीट करूँ क्या दे, दे पे वे साड़े नौजवान जो राइटर्स हैं राइटर्स को क्या करना चाहिए सीखना चाहिए इन टाइम जरूरत है कि सीख के आवन क्या कमी है कुछ कमी तो है लिसनिंग स्पीकिंग राइटिंग रीडिंग ये हर इंडिविजुअल को इसका पता भी होना चाहिए और आना भी चाहिए और ये जो लिखना है ये तो बकायदा सीखने का अमल है और आपने क्या लिखना है अब जैसे सियाज साहब ने चार किताबें लिखी और किताबें भी ऐसी शाहकार लिखीं कि देखने वालों के लिए पढ़ने वालों के लिए और जो कारइन है उनके लिए एक यानी कि समत का तयन कर गए बिल्कुल ऐसे और हमने भी सियाज साहब को देख के किताबें लिखीं ये दोस्तों को देख कर एक उन्हें तहरीक यानी मिलती है जैसे ये फिक्र जुआ है ठीक है ये फिक्र जुमा मैंने लिखी अब ये सन 2000 में लिखी गई सही है आज से 25 साल पहले 25 साल पहले सही अच्छा अब हमें लिखना कैसे आया कि छोटी छोटी तहरीरें लिखते थे अखबार में दे आते थे और सियाल साहब उस वक्त लिख रहे थे शाक, शाकिर हुसैन शाकिर लिख रहे थे रजी लिख रहे थे मजोका साहब लिख रहे थे यानी मुल्तान में एक गलेक्सी है बिल्कुल बहुत है, बहुत है तो जो, जो हमारे यानी कि हम असरीन हैं सियाल साहब तो बहुत सीनियर हैं ठीक है तो इन्होंने जो मुआश और लिखाई का जो यानी कम्बिनेशन बना डाला ये भी एक यानी के बड़ा यानी के एक सल है हमारे लिए सामगल है तो इसमें मैंने एक सबसे पहले मुल्तान में जो एन काम कर रही हैं उनमें वन नाइनटी टू जो हमारे समाजी साथी काम कर रहे थे समाजी तंजीमों के उन्हें मैंने इसमें शामिल किया उनके यानी जो काम है लिखा इसमें और किस तरह सीखा इस तरह यानी कि जब मैंने फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया, तो एक मैंने नज़म लिखी छोटी सी रेल पे मैं आपको सुना भी ठीक है ना जी और वो मैं लेकर गया रोजनामा अमरोज नुशाबा नरगी साहबा के पास उन्होंने उसे देखा फिर थोड़ी सी उसमें की और उसे रोजनामा अमरोज में 1980 में उसे ये उन्होंने वो उसे यानी कि शाया, शाया कर आपको सुना दे रेलवे पर थी वो ठीक है ना जी थोड़ी सी उसमें लाइट सी क्रिटिसिज्म भी है उस पर रेल जो होती थी यहाँ रेलवे का सफर खूबतर है लगे है कि जैसे ये अपना ही घर है यहाँ रेलवे का सफर खूबतर है लगे है कि जैसे ये अपना ही घर है बहुत तेज गाड़ी चलाई थी हमने मगर लेट पे लेट होने लगी है सही। अरे फाल्ट सिग्नल में फिर हो गया है जब भी आगे गाड़ी खड़ी हो गई है था दफ्तर में जाना किसी नौजवान ये गड़बड़ किसी मेहरबान की है, है ट्रैफिक के अफसर परेशान बहुत, बहुत है जो गाड़ी भी देखे <laughs> वो लेट आ रही है सही काम होने की उम्मीद कम है यहाँ काम चोरों की दुनिया बसी है यहाँ रेलवे की अजब जिंदगी है जी। कहीं है अंधेरा

जब इसकी रूनुमाई हुई ना जी तो रेल के मैंने लाहौर से जीएम साहब को उसके बाद बेहतरी आ गई है मुझे लगता है सर आ गई है बेहतरी नहीं आई क्योंकि अभी बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं अब हाँ। वो सफर हाँ। की हाँ जो रेशो है ना हाँ वो बल्कि कम हुई है जो यानी के ट्रेन 90 की यानी के दहाई में या 90 दहाई में जो यानी कि पैसेंजर की तदाद थी उस रेशो से तो सर ये तरक्की में में की गाड़ियाँ देखें गाड़ियाँ बैठी है उसने कहीं जाना भी नहीं है फिर भी उसके लिए गाड़ी है ये तरक्की की एक नोयत है लेकिन सर तरक्की कामयाबी पे आते हैं थोड़ा सा फिर अगेन होगी मेरे ख्याल में माहम है इनसे तो ये पूछना चाहिए मौजूदा निसब तालीम जो है बच्चों के लिए उस पर आपके क्या कहते हैं उसके मुताबिक क्या कहते हैं लेकिन सर इससे पहले मैं कुछ कहना चाहती जी हूँ जी। क्योंकि सर के पास आके तो फिर आगे हम तालीम पे शुरू हुए ना सर हमने तालीम पे आ, तालीम पर तो फिर हम पहले भी कर चुके हैं हमारी फिर बातें नहीं ख़त्म होती है मेरा भी बड़ा फेवरेट टॉपिक है सर क्योंकि आप आए हैं आपसे मिलने का मौका मेरा पहली दफ़ा है और जानना चाहती हूँ कि इतना जब माशाल्लाह से इंसान को अप्रिसशंस मिल रही होती हैं मिल रही होती हैं उसको उसका मिल रहा होता है। इस सब में आपके लिए सबसे ज्यादा खुशी का बायस कौन सा एवॉर्ड कौन सा लम्हा या कौन सी कामयाबी थी मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज की बात आज कल अगर मैं अर्ज करूँ जी मैं है कि इदारा चलेने की अदबी बोर्ड जी. वो इदारा है जीबन एक सौ अठत्ती किताबा छाप चुके हैं सारी लाइब्रेरी पज हजार किताबें क्या बात और ये वो इदारा है जो जब्त उमर कमाल खान डॉक्टर महार अब्दुल हक अलामा अतीक फिक्री लामा रहमतुल्ल तारक और अरशद मुल्तानी और बड़े बड़े दानश्वर जे इब्तद इंट बाद

ताकि जैसे भी कोई अच्छी किताब छाप तो जितनी खुशी थी दिए वो अपने इन पर बहर सी बिल्कुल अच्छा दूजी जी गाल है को जैसे मेरे को अवार्ड मिला मैं वो वाले इस्लामाबाद हम इत्तेफाकन कहीं बैंक तक है तो मेरी बेटी वाले रही सऊदी अरब सही उन्हें मेरे को फोन करके दसा कि जी जियो तो खबर चलती पी है कि

ਇਨਾ ਬਾਤ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵਲੇthia ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਆਫ ਜਜ ਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਕਈ مستحق ادیਬ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋ ਉਹਦਾ ਮਕਾਮ ਦੇਵਣੇ ਚ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕੁਦਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀo ਖਿਦਮਤ ਜੋ ਕਰਕੇ ਤੌਕ ਸੁਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇ ਕੋ ਸਲਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਮਿਆਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਦਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਉਸਨ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਉਸੇ ਸਰ ਗਾਲ ਕਰੂੰ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੀਟੀਵੀ ਦੀ ਪੀਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਕੂੰ ਦੱਸੋ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥਾਂ-ਕਿੱਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੀਟੀਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किधा कम ये जहाँ ही तो बड़ा ही तो आपको अज़ुबी याद है राइफल है तुअड़े कितने ये तो दार्त पीटी जो तो आपने सुना रोपणगी लड़ी तो लाहौर वैं दिया से लाहौर हाँ, तो बड़ा याद आने जल्ले ऐसा ही था उम तैयारी करके वैं दिया से दोस्त आप अच्छा वाल बंदे भी था उम कठे करने होने आम सर ਉਮਲੇ ਵੀ ਰੋਤ ਰੰਗੀਲ ਵੀ ਸਰਾਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਮਲੇ ਅੱਛਾ ਸਰਾਈ ਉਥਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਦੇਰੇ ادیਬ ਸ਼ਾਇਰ ਇਨੇ ਕੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਉਮਲੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੰਦੇ ਆਂ। ਪੈਸੇ ਇਤਨਾ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਮਲੇ ਇੱਕੋ ਚੈਨ ਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜਗ ਦੇ ਧਾਉ ਕੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕੋ

अच्छा बड़ी खुशी थी नहीं अब बड़ी खुशी हाँ आ, आ, बिल्कुल मिले बिल्कुल ही में तो इन्हें बाद वाल मैं एक दफा 2005 जी वो बड़ा जरा इलेक्शन थी ना पर मैं को इलाके चो जनुबी पंजाब के सरे की इलाके चो ने एक तब सरे वास्ते चाहिए तो जिया कर वो मैं को सदाने नजीर नाजी साहब तो मैं दो आसे पंजाब ही बाकी हर सुबह चो दूर दूर में अच्छा नजीर नाजी साहब इत्तेफाकन पहुंचना सके लेट पहुंचे वो

आ, सूफी रंग दे हिसाब ना हां बिल्कुल आ, एक, एक्टिंग हिको एज की थी वल नहीं नहीं ट्राई ड्रामा में सही बिल्कुल ट्राई में एक्टिंग थी उतरी दो बंदे जो मेरे लिखे हैं एक कहीं भी इधर लिखा है सही मैं था पॉइंट पा, ड्रामा में था लिखे हैं सही वे बल्कि वैसी साहब मोले अपना सही ट्राई ड्रामा में था ही मुल्तान ही शहीद थे हैं जी जी जबरदस्त है मुल्तान रिकॉर्डिंग थे हां पांच ड्रामा थे मेरे तो

आ, उन तो सच्ची गाल करनी ना आती क्या ना आती लेकिन इन्होंने हाँ सारे ने मिलकर अ काबिल बना दिते हैं कि सामने बह के कोशिश करें बहुत अच्छा प्रोग्राम करोग्राम दे। यकीन पहली दफ़ाई में जो लाहौर से हाँ में ना पहली दफा जल्द सारा रस्ता रह गया क्या सवाल करने क्या जवाब आ स क्या ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਵਕਤ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਲੇ ਸਟਾਲਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਘਰੋਲ ਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਬਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿੱਥਾ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਲਿਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੜ ਗਈ ਦੀਏ ਸਮਝ ਗੀ ਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋ ਹੋਨੇ ਕਿਹ ਚਕਸੀਅਤ ਰੱਖੇਂਦਾ ਵੱਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥੀਂਦੀ ਐ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਵੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋ ਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਐ ਪਈ ਚਲੋ ਵੱਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਡਰਾਮੇ ਬਹਿਰਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮختلف ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਐ ਉਹਦੇ ਚ ਗਰਮੀ ਐ ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਤਾ ਕੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਵੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ और रिकॉर्डिंग करके शाम को रात को आने पे दूज दिन बार तो वाल बनने तुसा कई कई हार थे और वाल जरे चलते हों दा आधे घंटे दे या घंटे दा पर प्रोग्राम हों दे उन दो तो तारे कई दिन मारा लग दें उन दो मुकाबले तो मेरे को बड़ा मुतबर्रे को अब हम सोना लग दे जो जल्ले आने हैं वो गाली थी गई जो आखना चाहने हैं वो भी सुन गिदा सुनाई गिदा बिल्कुल मेरा आखना है कि मॉर्निंग शो है मोरनिंग शो मीनस तुसा अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए लाउंज में बैठे हुए तुसा ये मेहमान साड़ी बैठे हुए कि असा उन्होंने गाल करेंगे बैठे बिल्कुल।, बिल्कुल गाल करेंदे करेंदे मेरे को अठवीं दफा चाकू पता है यीट तो सब संभाल जी चुके जी 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 वे कि ऐलान थी वो जी टाइम टाइम खत्म थी जैन टाइम खत्म थी है तो जैन चुप ना करेंगे बैठी हो आखे कि प्रोग्राम हले ब्याह चले बल समझ बनो कि मैं हूँ क्या करा टाइम नहीं रुकता सर

यह आखना चाहते हैं कि कहीं वास्तान अगर पैदा कर सकते हो तो जरूर करो कहीं वास्ते कदूरत जिले तो दिल रखो जल्द रात को सुमो ना तो दिल साफ हो सके अपना गैर हो जितना तुसा रस्ते दा कांटा हटा सद हटा रहे हुए। कहीं रख रखो ना रस्ते

दी थी भी भी। मैं तो इसके टाइटल पे दो घंटे आराम से सर से बातें <laughs> कर सकती हूँ मुझे क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है ऐसे ही और ये बड़ा अच्छा यानी कि जो डायलॉग हुआ है सर के साथ बहुत सी चीजें डायमेंशन सामने आई बिल्कुल और लर्निंग भी हमारी हुई ये जो वक्त है ना ये गुजरता जा रहा है। जी। और ये जो लाइव का भी कंसेप्ट एक नया हमने यहाँ पे डिटरमिन किया कि जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डिंग है उसमें एडिटिंग है ठीक है नी ये जो लाइव गुफ्तगु है इसमें रियलिटी पाई जाती है ऐसे ठीक है नी और इंसान को रियलिटी की तरफ ट्रैवल करना होगा करना होगा अगर हमने कोई सक्सेस स्टोरी बनानी है तो रियलिटी की तरफ जाना है ऐसे? और कुछ ना कुछ हमने डिलीवर करना है अगर हम यही मिसाल ले लें कि मुल्तान को अगर हम तरक्की देना चाहते हैं चाहे एजुकेशन में सोशल सेक्टर में या इल्म अदब में तो हमें रियलिटी की तरफ जाना है तरफ जाना। और जो हमारे यानी कि इन सारे यानी डिफरेंट उमेज में जो हमारे दोस्त काम कर चुके हैं जी। उन्हें उसे आगे यानी कि लेकर चलना है ताकि जो नए नौजवान हैं नए साथी हैं मैं तो उन्हें अपना साथी ही कहता हूँ अब ये तो नहीं है नहीं ना मैं और सियाल साहब हमने सब कुछ कर लिया नहीं नेवर जो आने वाले हैं उनके लिए भी रास्ता दिखाना है जी तो मैं बड़ा ममनून हूँ पी मुल्तान का शुक्रिया और तो बहुत सी करना चाहते हैं लेकिन वक़्त सर वक्त अब बिल्कुल तो, मेरे हाथ से निकल ठीक है बहुत शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया सर मेडा बसे कोई टाइम के नहीं सिर्फ दुआ याद रखो सारी टीम को मेहमाना को रखे सो अपना ख्याल खुदा हाफिज कल वल मिलसूँ